बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी ऐलान किया गया है 20 ऐसे हॉटस्पॉट जिन्हें सील किया जाएगा। 20 ऐसे हॉटस्पॉट जो दिल्ली में भी अब सील होने वाले हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र मुंबई में, उत्तर प्रदेश में और अब दिल्ली में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इन इलाकों में हॉटस्पॉट घोषित करके उन्हें पूरी तरह से सील किया जाएगा। क्या कहा है दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, सुनिए। केस आए हैं और कुल मिलाके दिल्ली में इस वक्त 20 ऐसे इलाके हैं जहां हमने सीलिंग की हुई है, इलाके को सील किया हुआ है। वहां के उसके अंदर उस गली में या उस कॉलोनी में या उस अपार्टमेंट में लोगों का जाना मना है या उससे बाहर निकलना लोगों का मना है। एकदम उसी एरिया में उस लोग रह सकते हैं, सड़क पे भी नहीं घूम सकते हैं। तीसरा, रेवेन्यू की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना और लॉकडाउन से संबंधित खर्चों के अलावा सभी सरकारी विभाग केवल और केवल सैलरीज पे पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा और कोई भी पैसा अगर खर्च किया जाएगा तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी। ये तीन निर्णय भी लिए हैं। हाँ, अगर कोई मास्क पहने हुए नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो आपको लिस्ट लग सकता है। सदर एरिया में कुछ केसेस आए थे, उसके बाद से सदर के जिस इलाके में केस आए हैं उसकी पूरी कॉलोनी को सील किया।